हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो देर किस बात का, फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पॉलिसी दरों पर फैसला लेने के लिए रिजर्व बैंक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन चलने वाली बैठक आज से शुरू हो गई है। बैठक का फैसला बुधवार को घोषित किया जाएगा। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब महंगाई से जुड़ी चिंताएं लगातार बढ़ रही है, साथ ही पश्चिम एशिया संकट फिर से उभरने लगा है। ऐसे में माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों को स्थिर बनाए रख सकता है। बता दें कि पिछले महीने ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 0.5% की कमी की थी, जिसके बाद से माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक भी ब्याज दरों में बदलाव कर सकता है। हालांकि बाजार के जानकार मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक इस बार भी रेपो रेट में कटौती नहीं करेगा। हालांकि बाजार की नज़र रिजर्व बैंक की तरफ से महंगाई और ग्रोथ को लेकर आने वाले आंकड़ों पर टिकी हुई है। अगस्त की बैठक में रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान महंगाई 4.5% और GDP ग्रोथ 7.2% रहने का अनुमान लगाया था। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में ही केंद्र सरकार ने मौद्रिक नीति समिति यानी MPC का पुनर्गठन किया था। यह इस नई समिति के गठन के बाद पहली बैठक है। भारत में ट्रिब्यूनल्स द्वारा नियामकों के फैसलों को पलटने का नया मामला सामने आया है। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट ने बाजार नियामक सेवी के एक आदेश पर रोक लगा दी। अपने आदेश में सैट ने रियल एस्टेट कंपनी ओमैक्स, उसके चेयरमैन रोहतास गोयल, प्रबंध निदेशक मोहित गोयल के साथ ही सुधांशु एस बिस्वाल, अरुण कुमार पांडे और विमल गुप्ता को कंपनी के वित्तीय विवरण में गलत जानकारी देने के लिए सिक्योरिटी मार्केट से 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। सेवी ने अपने आदेश में कहा था कि इन इकाइयों ने एक योजना बनाकर धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए मिलकर काम किया है। अब सैट ने सेवी के आदेश को पलटते हुए ये रोक हटा दी है। सेवी के 30 जुलाई को रोक दिए गए आदेश को ओमैक्स ने सैट में चुनौती दी थी। जापानी ऑटोमेकर टोयोटा किलोस्कर मोटर महाराष्ट्र में एक नया प्लांट लगाने जा रही है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में एक नया कारखाना लगाने के लिए कंपनी को 827 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। कंपनी ने 31 जुलाई को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के निर्माण के लिए नया कारखाना लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और टोयोटा किलोस्कर मोटर के साथ एक समझौता MOU किया था। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी, जिसे पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उसके पास महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड के नाम से एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से एक नया स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउन स्थापित किया गया है। ये प्लांट इसी इंडस्ट्रियल टाउन में स्थापित होगा। इस प्लांट पर कंपनी 21,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस प्लांट से जनवरी 2024 में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट से 8,000 प्रत्यक्ष और 18,000 अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने अपने बेड़े में बोइंग 737 विमानों का इस्तेमाल करने वाली भारतीय एयरलाइंस को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी दिशा नियंत्रण प्रणाली यानी रडार के जाम होने के संभावित जोखिम के बारे में जारी की गई है। DGCA ने यह कदम अमेरिकी नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड यानी NTSB की हालिया जाँच रिपोर्ट के बाद उठाया है। उस रिपोर्ट में कोलिंग्स एयरोस्पेस SBO 730 दिशा नियंत्रण प्रणाली से लेस बोइंग 737 विमानों से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं जताई गई हैं। DGCA ने राडार नियंत्रण प्रणाली के जाम होने के संभावित जोखिम को देखते हुए घरेलू एयरलाइन कंपनियों के लिए सुरक्षा सिफारिशें जारी की हैं। बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस, अकासा एयर और स्पाइसजेट एयरलाइंस इन समय बोइंग 737 विमानों का इस्तेमाल कर रही है। देश में सुस्त मांग के कारण सितंबर में वाहनों की खुदरा बिक्री में सालाना आधार पर 9% की गिरावट आई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी फाडा की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सितंबर में कुल पंजीकरण घटकर 17,23,330 इकाई रह गया, जो पिछले साल इसी महीने 18,99,192 इकाई था। यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों सहित अधिकतर श्रेणियों में सालाना आधार पर गिरावट देखी गई। यहां तक कि गणेश चतुर्थी और ओणम जैसे त्योहारों के बावजूद ऑटो सेक्टर का परफॉर्मेंस काफी हद तक स्थिर रहा है। सितंबर में यात्री वाहनों की बिक्री सालाना आधार पर 19% घटकर 2.75 लाख इकाई रह गई, जो एक साल पहले इसी महीने 3.39 लाख इकाई थी। वहीं कमर्शियल वाहनों का पंजीकरण पिछले वित्त वर्ष की पहली छमाही के 4.80 लाख इकाई से मामूली रूप से घटकर चालू वित्त वर्ष में 4.77 लाख इकाई रह गया। वाहनों की घटती बिक्री के बीच डीलर्स के पास इन्वेंट्री का दबाव भी बढ़ रहा है। डीलर्स के पास इस समय 80 से 85 दिनों की इन्वेंट्री मौजूद है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि त्योहारी सीजन और नए साल पर कंपनियां अब तक के सबसे बड़े डिस्काउंट की घोषणा कर सकती हैं।
हीरो मोटर्स अपनी समूह की ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी हीरो मोटर्स लिमिटेड ने 900 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए दाखिल अपना आवेदन वापस ले लिया है। बाजार नियामक सेबी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के मुताबिक हीरो मोटर्स लिमिटेड ने आईपीओ की मंजूरी के लिए दायर किए गए अपने दस्तावेजों के मसौदे को वापस ले लिया है। कंपनी ने अपने दस्तावेजों के मसौदे में नई इक्विटी शेयर जारी कर 500 करोड़ रुपए जुटाने का प्रस्ताव रखा था। ऑफिस के तहत ओपी मुंजाल होल्डिंग्स 250 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेच रही थी, जबकि भाग्योदय इन्वेस्टमेंट और हीरो साइकिल्स 75 करोड़ रुपए के शेयर बेच रही थी। कंपनी ने अपना आवेदन वापस लेने की कोई वजह फिलहाल नहीं बताई है। अमूल नाम से दूध और दूध के प्रोडक्ट बेचने वाली देश की दिग्गज सहकारी संस्था गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF अब मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव होने जा रही है। अमूल ने इस साल मई में अमेरिका में मिल्क प्रोडक्शन की बिक्री शुरू की थी और अब वह यूरोप में एंट्री लेने की योजना बना रही है। GCMMF के मैनेजिंग डायरेक्टर जयन मेहता ने बताया है कि अमेरिका में उनके प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं और अब वो यूरोप के बाजार में एंट्री लेने की तैयारी में है। जयन मेहता ने बताया कि आने वाले साल के दौरान दुनिया भर में दूध के कुल उत्पादन में भारत का एक तिहाई योगदान होगा। आयकर विभाग ने 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम की समीक्षा के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए। आयकर कानून की भाषा को सरल बनाने, कानूनी विवाद और अनुपालन में कमी तथा पुराने पढ़ चुके प्रावधानों को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर कानून की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। CBDT के मुताबिक समिति ने 4 श्रेणियों में सार्वजनिक सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रेणियां हैं भाषा का सरलीकरण, कानूनी विवाद और अनुपालन में कमी तथा पुराने पड़ चुके प्रावधान। इसके लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर एक वेब पेज शुरू किया गया है। लोग अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर और OTP के माध्यम से इस पर जा सकते हैं। शेयर बाजारों में सोमवार को लगातार 6ठे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। आज BSE सेंसेक्स 638 अंक और लुढ़क गया, वहीं NSE निफ्टी 219 अंक गिरकर बंद हुआ। विदेशी बाजारों में मिले जुले रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की निकासी के बीच आज HDFC बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे दिग्गज शेयरों में जोरदार गिरावट देखी गई, जिसके चलते बाजार में जोरदार गिरावट दर्ज की गई। आज के कारोबार के दौरान BSE सेंसेक्स 638.45 अंक की गिरावट के साथ 81,050 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 962.39 अंक तक लुढ़क गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 218.85 अंक की गिरावट के साथ 24,795.75 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, NTPC, भारतीय स्टेट बैंक, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, टाइटन और अल्ट्राटेक सीमेंट प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ITC, भारतीय एयरटेल, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा के शेयर चढ़कर बंद हुए। शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों ने सितंबर के दौरान जितनी खरीदारी की उसके लगभग आधे के बराबर की बिकवाली 3 दिन में ही कर डाली। अक्टूबर के पहले 3 कारोबारी दिन विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय शेयर बाजार में 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली कर चुके हैं। इससे पहले पूरे सितंबर में उन्होंने करीब 57,000 करोड़ की खरीदारी की थी। माना जा रहा है कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकालकर चीन के शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं। इस वजह से भारतीय शेयर बाजारों में बिकवाली बढ़ रही है और चीन के बाजारों में तेजी देखी जा रही है। तो ये थी फिलहाल आज की मनी टाइम की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी नाइन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।